आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है उसके ऊपर क्या किया है। दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है, जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। दो तीन फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे तो वो हमें स्वीकार नहीं है। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर MSP की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर MSP दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये दो तीन फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और ये कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर MSP की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर, जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग को मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार MSP अनाउंस करती है, जो 23 फसलों के ऊपर MSP की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही CACP की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें CACP के अनुसार MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से
उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब हम, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटा रहे, लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं।